बहुत सारे लोग आएंगे। और मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, मैं तो झल्लट लगूंगी इसमें। चीकू के पापा इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं हमारा की ब्रांडी मैसे पता है कौन है? तू मतलब रॉक स्टार टी शर्ट पहन सकते सबसे सुंदर लगेंगे। बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, देखे मारे गिग्गी वग्गी क्यों ले, क्या ऐसा लग रहा है? चलो गाड़ी में बैठो। तस्वीर हमारी टंग चुकी है। मेहंदी छोरा एंडी एंडी काम करूंगा, नाम गिल्लामा बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो सच में गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता लग रहा है कि हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं हमारे कैरावन में, तो आज का जो पूरा दिन है वो कैंपेनिंग नहीं होगा। आज का पूरा दिन जो होगा तैयारियों का होगा। और तैयारी किस चीज की कर रहे हैं आप सबको पता है कि हमारी गुगली मुगली मूछ तीन बच्चे हमारे अभी यहाँ पे एक ही है, तीन बच्चों की पहली लोहड़ी है। तो इन लोगों के लिए कर रहे हैं हम बहुत बड़ा फंक्शन और उसमें बहुत सारे लोग आएंगे। हुर्रे! आपकी ताई जी आएंगी, आपकी मासी आएंगी, आपकी बुआ आएंगी, आपकी नानी आएंगी और बहुत सारे लोग आएंगे। तो गाइज आप लोग एंड तक व्लॉग को देखना, क्योंकि आज के व्लॉग में बहुत सारी सेलिब्रेशन प्रिपरेशन आपको दिखेगी। तो गाइज यहाँ पे दो बच्चे और आ गए हैं, इनकी भी लोरी है। आप फोन में सारी थूकू भर दोगे। वो गाइज पता है कि आजकल ना बच्चे जो है ना, इनको कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, बस ऐसे होता है कि छोड़ दो। और आज तीनों ने ना नई पजामी पहनी है। देखो, इसने पहनी है ब्लू कलर की, इसने पहनी है पिंक कलर की, आपने पहनी है ग्रे कलर की। तीनों बच्चों ने नए कपड़े पहने। और मैं बता देती हूँ, ये जो कपड़े है ना, ये आए हैं BMS Kids 1 से। और ना बहुत सारे कपड़े रिसीव हुए हैं मुझे, मैं सारे कपड़े आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे रो रहा है कि मम्मी पकड़ लो गोदी। हाँ पकड़ लेते। बोलो बोलो, बता बता क्या काम था? बोल काम क्या था? बोलो ना, कोई काम नहीं था, बस जिद किया ने गोदी। तो गोदी पता चल चुकी है बस। तो गाइस यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े। तो इनमें बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं। मुझे सबसे ज्यादा सुंदर लगा ये जीन्स। देखो ये कितनी क्यूट जीन्स है, तूबा के लिए बहुत ही प्यारी लग रही है। और मुझे ना दो तीन चीजें बहुत सुंदर लगी, जैसे एक ये फ्रॉक, ये जो है ना हुडी वाली फ्रॉक, ये भी बड़ी सुंदर लगी। कुछ स्वेटर बड़े सुंदर लगे। तो गाइस ये सारा सामान मैंने मंगवाया BMS Kids 1 से। इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होती है, सुपीरियर होती है। अब ये जो स्वेटर है ना, ये सच में इतना सॉफ्ट है, ऐसा लगेगा बच्चों ने इतना बिल्कुल कुछ गर्म पहना हुआ और चुभेगा नहीं। बहुत सुंदर क्वालिटी है। तो ये सारे कपड़े मैंने बच्चों के लिए मंगवाए। तो अगर आप भी चाहते हो अपने बच्चों के लिए कपड़े मंगवाना, आप भी मंगवा सकते हो। इनकी वर्ल्ड वाइड शिपिंग है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ BMS का, वहां पर जाना, जाकर उनके स्टोर पे कपड़े चेक करना, या आप व्हाट्सएप पे उनको वीडियो कॉल करके भी अपने कपड़े पसंद कर सकते हो। क्वालिटी की टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्वालिटी एक नंबर है। क्योंकि हमारे बच्चों को देखो 9 महीने होंगे, 9 महीने से हमारे बच्चे सिर्फ BMS के ही कपड़े पहन रहे, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो गाइज यहाँ पे मेरा शावर हो गया एकदम कंप्लीट। और शावर लेते ही ना सबसे पहले ना जैद ने आते मेरा मुंह नोचा, इतनी तेज की ना जलन मच रही है। बड़ी तेज नाखून है बच्चों के, बड़ी तेज मारते हैं। पिछले 10 मिनट से मेरे को यान बोल रहा है दे 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 दे, और ये टावल मांग रहा है, ले ले बाबू, झूल रहा था। तो गाइज अभी ना मैंने एक हील्स ना ऑर्डर की हुई थी नायका फैशन से, ऑल्डो की। और मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। ये है वो डब्बा जो कि सुबह मुझे रिसीव हुआ है, और इसकी कॉस्ट मुझे 6000 समथिंग कुछ की पड़ी है। वैसे इसका MRP रेट है 11000 रुपए, ठीक है, डिस्काउंट में मुझे मिली। और डिस्काउंट में मुझे क्या दिया उन लोगों ने, ये देखो, पहनी हुई चप्पलें। किसी ने पहनी हुई चप्पलें वापस नायका पे भेजी होगी, और वही नायका से पार्सल मेरे पास आ गया है। तो कितना बड़ा फ्रॉड है ये। मतलब अगर आप पार्सल ले रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आपको मतलब कुछ भी मिल जाएगा चीज का। तो अभी जो है मैं इसका रिटर्न डालती हूँ, और रिटर्न जो लेने आएगा ना उसके चीज समझाऊंगी। ये देखो नायका इतना बड़ा ब्रांड है, उसके ऐसे मतलब बेइज्जती मत करवाओ, और पहनी हुई चीजें मत भेजो, वरना ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। दियो को पर फोन चेक करवाइयो मेरा। गाइस आज मेरे को रिसीव हुए बहुत सारे पार्सल, और मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास जो जो पार्सल आया है मैं बता देती हूँ मैंने कहाँ से मंगाए हैं, और किस लिए मंगाए हैं, और कितने के मंगाए हैं। तो ये वाला पार्सल जो मैंने मंगाया है, ये मंगाया मैंने नायका से, और नायका पे एक ब्रांड है 20 ड्रेसेस। तो वहां से एक ड्रेस मंगाई है ग्रीन कलर की, और मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि ओपन मैंने ऑलरेडी कर ली थी। ये देखिए ये है, और सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है, बहुत ही ज्यादा। ये मेरा और गोलू का हम दोनों पहन सकते हैं, कहीं भी हमें किसी इवेंट पे जाना हो या कुछ भी हो। तो मैंने ये डिस्काउंट में मुझे मिल रही थी, तो मैंने मंगाई है। वैसे इसका जो प्राइस है ना, इसका प्राइस है 5995, पर मुझे ये डिस्काउंट में मिली है। तो एक और पार्सल है, वो मैंने मंगाया है नायका से, ये भी मंगाया, और ये है मोड ब्लू से, और ये मैंने मंगाया गोवा के लिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट ट्रिप है ना वो गोवा की होने वाली है। तो मैंने सोचा ना कि गोवा के लिए जो है मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, और निकर्स हैं, शॉर्ट्स हैं, टॉप्स हैं,
तो उनके साथ ना मैं कुछ ऐसा गोवा के मतलब गोवा में जो पहनते हैं लोग, तो ऐसा कुछ मैंने ऑर्डर किया है ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए। बहुत ही ज्यादा देखो कितना प्यारा लग रहा है, और ये मुझे पड़ा 600 रुपए का। तो गाइस ये थी वो ड्रेस जो मैं अभी आपको दिखा रही थी, और ये ड्रेस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये देखो ये कोई ड्रेस नहीं है, मैं ऐसी ड्रेस बिल्कुल नहीं पहनती हूँ। इतने प्राइस के साथ अगर मैं कोई ये ड्रेस खरीदनी पड़ी तो बिल्कुल नुकसान है, तो मैं इसको कर रही हूँ वापस। और अभी मैंने 2 ड्रेस पहनी थी, मेरी ड्रेस फॉरएवर न्यू की थी, वो मैंने मंगाई 8 नंबर, वो 8 नंबर गोलू को भी आ गया। गोलू का मैं यार मेरे को बड़ी खुशी है कि मुझे पहले की ड्रेस आई है, तो ये मैंने अपने लिए मंगाया था और ये गोलू को भी आ गई है। तो एक तीर से 2 निशान हो गए, ये भी पहन लेगी मैं भी पहन लूंगी। पर इसके लिए जो मंगाया था वो मैं नहीं पहन सकती हूँ, वो मंगाया है ब्लेजर ड्रेस, बहुत ही सुंदर। आपने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा फॉरएवर न्यू में हमने पहनी थी, इसने पहनी। मैं दिखा देती हूँ, दिखा देते हैं एक सेकंड। तो मैं ये ऊपर से पहन के दिखा देती हूँ भाई, ताकि आपको लुक समझ आ जाए। पर सच में इसकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग है ना इस वाली ड्रेस की, इतनी अच्छी। वही कहते हैं ना कि आप महंगा एक बार ले लो और सस्ता बार बार ले लो, सस्ता आपका जल्दी खराब हो जाएगा, महंगा कभी खराब नहीं होगा। आप पहन के थक जाओगे लेकिन चीज खराब नहीं होगी। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ, एक बार लो अच्छी चीज लो, चाहे साल में या महीने में एक बार एक चीज लो। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको जो कि मैं पहन रही हूँ, मेरे को ये साइज नहीं आएगा, गोलू का साइज है, मैं तो झल्लर लगूंगी इसमें। बंद करियो वो ड्रेस पहनी है नीचे, ये देखो ये है वो, ये बर्थडे पे पहनने वाले थे पर उस टाइम हमने ली नहीं थी, उस टाइम हमें महंगी मिली थी, अभी हमें सस्ती मिली तो ये हमने ले लिया है। तो ये दो ड्रेस रख रहे हैं, ये वाले ड्रेस मैं रिटर्न कर रही हूँ। तो यहाँ पर आ गया मेरा शाम का वही प्रोटीन, और आपको पता है मैं और पायल आजकल फुल डाइटिंग पे, क्योंकि ना सर्दियों में आपको पता है सबसे ज्यादा ना वेट गेन होता है गर्म चाय, और 2 दिन से मैं परांठे खा रही हूँ बस, क्योंकि जब जिम नहीं जाती ना तो मैं परांठे खाना शुरू कर देती हूँ। पर आज मैं जाऊंगी जिम क्योंकि मेरी जो ट्रेनर है वो आ गई है, तो आज जिम का मेरा रूटीन होगा। मैं ना पूरे दिन में अपने आपको 1 घंटा जरूर दूंगी जिम के लिए। तो भाई चीकू के पापा इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं, बाहर गए थे किसी काम से अपने, तो वहाँ पे उन्होंने देखा होगा कुछ खाने का, तो उन्होंने खुद भी खाया और हमारे लिए भी 2 प्लेट भेजी हैं। पर 2 प्लेट तो हम नहीं खा सकते, 1 प्लेट हम खा रहे हैं, 1 प्लेट हमने दे दी है शांति वगैरह को, तुम लोग खा लो। और सच में बहुत टेस्टी खाना है, जहाँ से भी उन्होंने लिया है बहुत टेस्टी खाना है। तो गाइज हमारे घर में चल रही है डांस की प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं सारे परफॉर्म। और क्या है त्योहार वो तो आपको पता ही है सबको, तो त्योहार पे गोलू पहले तेरी प्रैक्टिस। तेरा म्यूजिक थोड़ा डिफरेंट। इसके थोड़ा साउंड थोड़ा स्लो रहेगा, ज्यादा तेज साउंड बेचारी थोड़ी वो हो जाएगी। चलो बस इतना ही, हमारा तरक्त वक्त है बेटी, देख हम पूरा यार खुश हो रहे। एक मिनट रुकना, पैसिफाई निकाल के दिखाऊंगी। 1 2 कहूंगी ढोल लगाऊंगी, ढोल बोला ढोल में लगाऊंगा। देखो बच्चे कितना खुश है, तू बजा मेरे को आना, मैं अभी बिठाया था ना मम्मी इसको, उतारे की बेटा ऐसे थोड़ी, ये चाहते मैं ऐसे करूँ, आज से मैं ऐसे ही रहूँ, ऐसे करके रहूँ मैं बेटा। उतर जाओ। एक बच्चा रह गया था, ये मेरी शक्ल उतार रहा था, कह रहे मम्मा ने दोनों बच्चों को बिठाया, मैं रह गया। आह एक बेटा बाल खींचा है मेरे बाल, चलो आज बाल, आज मेरे खाया पिया निकालेगी तू इसका सारा। बस देख इसका पैर अपने आप, देख 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 देख, कोई म्यूजिक ली कोई किसी चीज की नहीं, ऐसे देख करो करो करो। पर मेरा तो सोच में 3 बच्चों को लेके लोड़ी तक। चलो अब हम करते हैं काम। पायल डियोर के ब्रांड एम्बेसडर पता है कौन है?
लग रही है पूरा। और देखो इसका लो, इसका ना पैंट्स दिखाती हूँ आपको, मतलब गरम। ये देखो, देखो डिजाइन पीछे, देखो डिजाइन है इतना सुंदर। तीनों ने पहना है, इसने भी पहना। ये देखो, ये सुबह के कपड़े खींच खींच के ले जा रहा है, कह रहा मैं पहनूंगा। नहीं नहीं, ये सुबह की नहीं है। अच्छा, ये इनके ही है, अपने लेके गए हैं। कह रहा मेरे नहीं दिखाते ना। अच्छा, इसके भी दिखा देती हूं बेटा, दिखा रही हूं तेरा भी। तो ये जो कपड़े है ना, ये इनके कपड़े हैं। ये जैसे अभी नॉर्मल वार्मर के नीचे टी शर्ट पहन सकते। क्या हुआ? डियोर की ब्रांड एम्बेसडर है ना। ये देखो एटीट्यूड, ये देखो, ये देखो इसका डियोर का बिब। दूध पिएगा तो इस पे गिरा देना, ठीक है? खिची खाओगे इस पे गिरा देना, फिर धो के सुखा लेना। एक ना ड्रेस दिखाती हूँ आपको, इतनी सुंदर है ना सच में। मतलब मैंने ऐसे कपड़े नहीं देखे बच्चों के। एक ये है और एक है गेरी। तो ये है डॉल्ची गबाना और गुची। एक्चुअली के सारे ब्रांड तूबा को हायर करा हमने, छोटे बच्चों के लिए तूबा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तूबा, तूबा जो रॉकस्टार है भाई। इसकी कल की चप्पल देखी होगी आपने, जो इसके पापा ने बनाई थी। इतनी टेस्टी सब्जी बनी थी ना, तो वो बिगड़ जाता। हम सारे खड़े, हम सारे खड़े। तो बस अभी मैं और गोलू जा रहे हैं बाहर। एक तो पनीर पालक बनना है, पनीर लेके सब्जियां खत्म है ना सारी, सब्जियां लेके आनी। तो चलते टूर में सामान लेके आते। इतना शोर मचा रखा है घर में, जैसे आज ही हमारे घर में सारे फंक्शन है। इन दोनों लड़कियों ने यार छुपती रहती है सारा दिन फ्रिज के पीछे। पता नहीं फ्रिज के पीछे कौन सी इनकी वो चल रही हुई थी मीटिंग, क्योंकि फ्रिज के पीछे हम देखते नहीं है ना क्या चल रहा है। शांति, शांति को ना मैंने एक रेसिपी दी थी पालक पनीर की, सच में इतनी टेस्टी बनती है ना, इतनी टेस्टी बनती है। तब से शांति ये वाली सब्जी बहुत ज्यादा बनाती है। और देखो गर्म सर्दियों में ना हरी सब्जियां जरूर खानी चाहिए, आयरन की कमी जो है कम हो जाती है। मेरे को ना पिछले आयरन की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, तब से शांति ने बीड़ा उठा लिया कि दीदी का आयरन जो है पूरा करना है। दीदी वैसे बाल बड़े गिर रहे हैं दीदी के, है ना? मेरे बाल बड़े झड़ रहे हैं। सुबह आलू मेथी बनाई थी और मेथी के परांठे भी बनाए थे सुबह, बड़े टेस्टी। और ये शांति ना बिल्कुल हम पे रहम नहीं कर रही है, ये जा रही है 20 तारीख को। मैं कह रही हूँ बेटा क्या करेगी जाके इतनी ठंड में, कह रही दीदी जाना जरूरी। मैं कहा ठीक है जाना जरूरी है, तो फिर क्या कर सकते हैं। शांति अब शिवो के पापा आ जाएंगे, फिर तू मिर्ची कब बनाएगी? मेरे को, मैंने गाइस ये ना मम्मी बना के गई थी मिर्ची, इतनी टेस्टी। और ना पाया जब ट्रिप पे थी ना, मैंने पीछे से ना पतीला भर के, मैं भवानी के साथ ही, तो कुछ भी नहीं है भवानी से ज्यादा, मैंने इससे कढ़ाई भर के बड़ी वाली मिर्ची बनाई थी, इतनी टेस्टी। तो जितनी भी यहाँ पे लेडीज डिपार्टमेंट है ना, जो पीछे फ्रिज के पीछे भी है कुछ, दो दो हंस रही होंगी, उन सब ने, जितनी लेडीज सब ने मिर्ची खा ली। जब पाया लाई ना, मैंने पाया को बोला, मैंने निक्की को बोला, मैंने निक्की मैं थक के आई थी, मेरा बड़ा मन था इसको खिलाने का। मैंने कहा निक्की बाबू रोटी दे दे, कह रही क्या दूं? मैंने कहा बेटा जो सब्जी है सब्जी दे दे, और जो गोलू ने मिर्च बनाई थी वो मिर्च दे दे और रोटी दे दे। ये मिर्च पता कितनी लाई? इतनी सी मिर्च मैंने लाई। मैं कहा इतनी सारी मिर्च खा पाऊंगी मैं? कह रही दीदी उस कटोरे में मिर्च ही नहीं है। मतलब बिचारी को शायद डंडा नसीब हुआ था। देखो कैसे मिर्ची पे ध्यान दे रही है, देखो दोनों देख ले, इनके ध्यान देख ले, कहां है ध्यान बेटा? एक बात बताओ, इस लड़की की टोपी कहां है भाई? ऐसी अच्छी, इसको गुलट्टा कर, इसका गुलट्टा गायब, एक गुलट्टा निकल के मशीन पे रखा है, फाइन ये ले रहा है फ्रूट निकल। इसके अंदर फ्रूट डाल दो कुछ? हां फ्रूट डाल दो, इसमें फ्रूट डाल दो कुछ। हाय रब्बा, की करा मैं, इन्ने कपड़े हैं बच्चों कोल कि मैं सोच रही हूं कपड़े किदे विच ठुसा कितने बीच डाला, मतलब इतने सारे कपड़े ना गाइस। अब मैं सोच रही हूँ कि ना ये जो ऐसे पतली पतली फ्रॉके हैं, तो ये फ्रॉके निकाल देती हूँ और इस फ्रॉक की जगह मैं कॉट सेट डाल देती हूँ, क्योंकि क्या है अभी मौसम बहुत ठंडा है। जैसे अभी रॉम्पर हो गया, अभी रॉम्पर तो मेरे को लगता है तूबा को आएगा, है ना? है ना तूबा को आएगा ना? तो अब ये रख देती हूँ, ये सारे पतले पतले कपड़े, जैसे फ्रॉक हो गई ठीक है, ये सारे कपड़े निकाल देती हूँ। ये टॉप तूबा ने पहना तक नहीं है एक बार भी। तो भाई अभी अभी अरमान जी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि वेडिंग में जाना है। मैंने कहा ऑन द स्पॉट बताते हो अपना, हमने, मैंने तो नहाई हूँ, सर ने धोया, पर चलो सर का तो कोई नहीं, कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल बना लूंगी। तो यहाँ पे मेरे को छोटी सी ड्रेस मिली है, पहले देखियो जरा, ये तूबा पहनती थी। अब ऐसे लगता है ये तूबा पहनती थी, तूबा इतनी थी, इतनी छोटी स्कर्ट है, अभी तक तूबा ने इसको पहना भी नहीं है, अनटच पड़ी है। तो मुझे लग रहा है कि तूबा कोई ड्रेस आएगी नहीं, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आएगी कोई टेंशन नहीं है, मैं किसी ना किसी और बच्चे को दे दूंगी। यार इन्होंने ऑन द स्पॉट बोल तो दिया गाइस हमें शादी बनाने के लिए, अब हमारे पास ना आउटफिट है ना कुछ है, ना सर धो रखा है ना कुछ है। तूने तो धो रखा, मैंने तो नहीं धोया, बाल सेट नहीं है, मैंने तो बाल तो मेरे भी सेट नहीं है। अब बेड खोलते हैं, बेड मरती नहीं, आईब्रो बहुत ज्यादा हो रही है। एक काम करते हैं बेड खोलते हैं, पहले कपड़े निकाल लेते हैं, आईब्रो बराबर हो तो देख लेंगे, चला जाए। अब यार क्या पहने? यार एक बात बोलूं, कपड़े ना हो तो दिक्कत है, कपड़े हो तो दिक्कत है, समझ नहीं आता क्या पहने। यार एक बात बता पायलट, यार जो हमने राखी पे सूट पहना था वो तो बहुत लूज हो गया होगा। वो तो बहुत ही ज्यादा लूज है, बहुत बहुत ज्यादा लूज। अगस्त का सूट है, क्या पहने बड़ा? साड़ी पहन ले, साड़ी
मेरे पास नई साड़ी पड़ी है। यार कंफ्यूज हो गई हूँ क्या पहनूं, और विंटर्स का हमारे पास कुछ ऐसा कपड़ा है नहीं। ओ क्या योदा यार, मुझे नहीं आया। पास इतनी प्यारी आउटफिट आ रखे हैं लस्ट पे गुंजन के, हाँ रेड वाली, हाँ साड़ी सूड़ी छोड़ते हैं उसमें ठंड भी नहीं लगेगी, लगेगी सुंदर का सुंदर। वाह भाई वाह। और वो आउटफिट मैंने ही लिए थे बट मेरा दिमाग नहीं आया, आउटफिट दिखाते रुको एक मिनट। तो जैसे बड़े बड़े घर में बड़े बड़े वार्डरोब होते हैं पल अंदर कमरे के अंदर, तो हमारा वार्डरोब आज ये हमारा वार्डरोब है। वैसे एक बात, बालकनी से अच्छा है ये यार, ये देख मस्त लगेगा, सबसे सुंदर लगेंगे, हाँ सबसे यूनिक लगेंगे। और इसके साथ प्रेसिंग या कलर अच्छा लगेगा। मैं जाती हूँ इसके साथ एक चीज बच लगेगी, या तो सिंपल प्रेसिंग ऐसा स्लीक वाला जोड़ा टाइप काम करते, नीचे चल लेते हैं थ्रेडिंग बनवा लेंगे और बाल भी सेट करवा लेंगे, बड़ा सुंदर लगेगा घर में अपना। और सिल्वर कलर के इयररिंग्स पहनेंगे। चल चल पहले नीचे चलते हैं, बात करते हैं, चला जाओ। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे सैलून में, और वैसे ज्यादातर हम भैया को घर पे बुला लेते हैं, पर हमने सोचा कि आज सैलून में जाते हैं क्योंकि थ्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। मैंने कहा इतने ही अपने बाल करवाएगी, इतने मैं थ्रेडिंग करा लूंगी, फिर जब मेरे बाल होंगे इसकी थ्रेडिंग बनेगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। क्योंकि फेस पे अगर थ्रेडिंग ना होना तो कितना भी मेकअप कर लो कुछ भी पहन लो अच्छा नहीं लगता। इतनी ठंड में ना बिल्कुल मन नहीं करा थ्रेडिंग करेंगे, एक जो पार्टी है ना वही लड़कियों को मजबूर करती है आने के लिए। अगर पार्टी ना हो ना तो मैं और बाल 10 दिन और थ्रेडिंग ना करवाए। नीचे आगे स्पेशली हम तो आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं, बट देखो पार्टी में फैशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे सारे हमने साड़ी पहनने वाले थे हम, पर हमने कैंसिल कर दिया ठंड के मारे, क्योंकि ठंड में साड़ी पहनने का कोई मतलब। साड़ी हमारी पूरी रेडी भी है, ब्लाउज पेटीकोट सब कुछ रेडी एकदम, और हमारा साइज की है बट नहीं पहन रहे। तो गाइस थ्रेडिंग करवाना ना सबसे ज्यादा दुखदाई होता है गर्ल्स के लिए, क्योंकि थ्रेडिंग में बड़े दर्द होते हैं, वो बहुत ज्यादा दिन से ना कराई हो तो और भी ज्यादा। तो देखो मेरी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रखी है। और सबसे ज्यादा फनी बात यह है कि मुझे और पायल को ये भी नहीं पता किसकी शादी है। पायल हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं किसकी शादी, इतना पता है कि शादी में जाना है तो हम रेडी हो रहे हैं, वहां जाके देखेंगे किसकी शादी है तो पता चल जाता है कुछ शादी में दूल्हा दुल्हन कौन है। तो मेरे बाल जो है सेट हो गए हैं, और ना मैं और पायल आज पहन रहे इंडो वेस्टर्न। तो पायल मुझे कह रही थी कि गोलू मैं ना बन करवा देती हूँ, मैंने कहा पायल बन मत करा, बन की जगह ना बाल ओपन कर, क्योंकि बन हमने ना साड़ी या सूट में ही अच्छा लगता है, हम जो ड्रेस पहन रहे ना वो सूट साड़ी नहीं है। तो भी पायल ओपन हेयर डू करवा रही है। तो गाइस मैं अपने बालों को लेके ना बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे बाल इतने अच्छे हुआ करते थे कि लोग मुझसे पूछे करते थे कि क्या लगाते हो, और अब मेरे बाल इतने ज्यादा खराब हो गए ना कि मैं बहुत अफसोस करती हूँ। दिल करता है एक बार जाके दोबारा गंजी हो जाऊँ और दोबारा नए बाल उगाऊँ। हाँ ये बात तो है, जो पायल मुझसे मिली थी ना पायल के इतने लंबे बाल थे, ये बात 2017 की है, और इतने सुंदर इतने घने बाल थे, मतलब सब उससे पूछते थे उस टाइम पे वो क्या लगाती है। फिर बाल ठीक भी थे, बट अभी क्या है ना जब से ट्विन प्रेगनेंसी की डिलीवरी हुई ना तब से ना बाल झड़ना स्टार्ट हुए, अभी तो काफी ज्यादा, मतलब लास्ट 3 मंथ से ना इसके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं। और हम अगर कुछ अपने बालों में या फेस पे कुछ लगाते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है ना ठीक होने में। तो ऐसी है, अब PRP करवाई है, शैम्पू चेंज करा है, देखते हैं 1-2 महीने लगेंगे, क्या पता अच्छा रिजल्ट आए। जितना दर्द मुझे वैक्सिंग में नहीं होता ना उतना दर्द मुझे थ्रेडिंग में होता है, लड़कियां समझ जाती हैं यहाँ इतना दर्द क्यों होता है, बहुत दर्द होता है, मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं ना ऐसे सोचती हूँ ऐसे कितना कोने पे होती है, मुझे बहुत गंदा लगता है थ्रेडिंग करवाना। मैं सच में थ्रेडिंग बहुत कम कराती हूँ, पिछली बार तो मैंने 3 महीने में एक बार कराई थी, पर इस बार क्या जाना पड़ा, करवानी पड़ेगी सॉरी। ओहो मुझे बहुत डर लगता है, आधी मुछ हुई है पायल, पायल मेरी बात सुनती, मेरी आधी मुछ हुई है, आधी रह गई है, आधी रह गई ना, बहुत डर लग रहा है। तो मेरे हो गया कर्ल्स डन, और मैं कल करवाने वाली थी जूड़ा लोबन, तो गोलू ने बोला लोबन अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने ये करा लिया। और मैं हमेशा ज्यादातर जब भी आपने देखा होगा ना मैं कल से ही कराती हूँ, मेरे बालों में कल अच्छे लगते हैं। तो गाइस ठंड के मारे गिग्गी बग्गी, अच्छा कि हम साड़ी भी पहन के जा रही, अगर साड़ी पहन के जाते ना तो साड़ी वापस आती हम वही रह जाते। मैंने पाल को बोला तेरे बाल बड़े ज्यादा सुंदर लगे, चल सुंदर लग रहे, मैंने फोटो क्लिक करी ये देख कैसे लग रहे हैं, हाँ इसमें तो अच्छे लग रहे हैं। देख तू इसमें क्या, तेरे बाल सुंदर लग रहे पीछे से, पायल के बाल पतले हो गए ना तो थोड़ा सा ना वो डिप्रेशन में चली गई है, मैं उसको डिप्रेशन से बाहर डिप्रेशन चली गई हूँ मैं कि मेरे बाल इतने ज्यादा कैसे खराब हो सकते हैं। तो गाइस जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो अब शांति और आंटी तो पा गई और हमारी मुस्कान और मन्नू खो गई क्योंकि वो चली गई है, और अभी डिजाइनर जो है नीचे आ गई है पार्किंग में गाड़ी लगा रही है, बार बार नहीं आएंगी क्योंकि लोहड़ी आने वाली पास में, जो जो है मौजूद है उनके कपड़े बन जाएंगे, जो मौजूद नहीं है उनके कपड़े नहीं बनेंगे। तो गाइस ये एक स्लिट वाला अभी जो है आउटफिट आया था, तो इनके पास ना मेरा वो वाला साइज था जो आपने देखा होगा, अरमान जी के बर्थडे पे हमने ब्लैक पूरा आउटफिट सबने पहना था, सबने एक जैसा, तो उन्होंने मेरे को स्टिच करके दिया। इसका मतलब मेरा वेट और रिड्यूस हुआ है, मतलब 2 इंच, तो ये 2 इंच और कम है। तो सबसे पहले मेजरमेंट लिया जा रहा है शांति का, क्योंकि शांति को भी सूट जो है पहनना, और मैंने रखा है थीम मैरून कलर, क्योंकि लोहड़ी है, लोहड़ी पे ना मैरून कलर सबसे ज्यादा सुंदर लगेगा, हटके आएगा, तो सबका आउटफिट मैरून कलर का होगा, पूरी टीम मैरून में देखेगी आपको। तो भाई शांति और आंटी का हो गया मेजरमेंट, अब बारी आई हमारे मिनी ब्लॉग की। तो मिनी ब्लॉग ने अपनी जैकेट उतार दी है, शर्ट के अंदर भी कुछ पहना है, इतना ही है।
कुर्ता पजामा का ले लूंगा। हां इसका कुर्ता पजामा मेरा का बता दे। तो ये गोनू ने जो आउटफिट पहनी है ना, ये मेरा साइज है जो इसने पहना है। एक महीना पुराना। एक महीने पहले जो मैंने चीकू के पापा के बर्थडे पे ड्रेस पहनी थी वो इन्होंने ही सी ली थी सारी। आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, आपके पास मैसेज भी आए होंगे बहुत सारे है ना। तो गाइज इन्होंने हमारे सारे आउटफिट सिले थे और अब हम सोच रहे हैं कि जो हमारी लोहड़ी के आउटफिट है ना हमारी पूरी टीम की, वो भी यही सिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इनको लेट नाइट जो है 8 बजे बुलाया, और 8 बजे इतना ज्यादा अंधेरा हो जाता है, ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तब भी ये आए हैं मेरे एक कहने पे। और यहाँ पे सबसे पहले मिनी ब्लॉक का जो है मेजरमेंट ले रहे हैं, बाकी लड़के आ रहे हैं अभी ऊपर। तो यहाँ पे हमारी सारी बॉय टीम भी आ गई है, धीरज भैया, निशु भैया, टिंकू भैया और केशव भैया जो हमारे मिनी ब्लॉग है उन्होंने भी अपना नाप दे दिया। ठीक है आप सब अपना नाप दे दो, सबकी बनने वाली है मजेदार सी आउटफिट लोरी की। तो सेलिब्रेट तो करेंगे ना धूमधाम से। कैसे नाचोगे वहाँ पे? तो बस अभी घर पर आए हैं थोड़ी देर पहले ही, और बस बच्चों के लिए खिचड़ी मैंने बना दी है फटाफट। तो अभी तूबा और अयान दोनों जाग रहे हैं, जैक्स हो रहा है, तो इन दोनों को खिचड़ी खिलाती हूँ। पहले बिब लेकर आती हूँ, एक को तू पकड़ एक को मैं पकड़। ठीक है तो बिब ले क्या, तब तक जो हमारा सामान आया हमारे टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी सामान था जो पेंडिंग चल रहा था, तो आज जाके ये लोग लेके आए हैं। और देखो मुझे तो नॉलेज है नहीं क्योंकि मैं सिर्फ कैमरा चलाती हूँ, और कैमरे के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है क्या नहीं चाहिए होती है, लैपटॉप में एडिटिंग के लिए क्या चाहिए होता मुझे नहीं पता है। तो लड़के अपनी मर्जी से अपनी पसंद से लेके आए हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है ना, हमारे काम के अकॉर्डिंग ना हमें अपने आप को हम अपने काम को ना अपडेट करना पड़ता है हर चीज को। तो अपडेशन के लिए यहाँ पे जो है निशु की ये सारी जिम्मेदारी है, जो भी सामान होता है आना जाना ये वो निशु देखता है। तो निशु अपने हिसाब से सारा सामान लाया, और सारे लड़कों का हमने मेजरमेंट दे दिया है, सारी लड़कियों का जो जो हमारे यहाँ पे है घर में। तो सबके आउटफिट जो है मेरे को लगता है 13 का प्रोग्राम है तो 11 को आ जाएगी, 11 को एक बार सारे अपनी फिटिंग चेक कर लेंगे, उसके बाद सब आपको दिखने वाले हैं एक ही जैसी आउटफिट में। जैसे शादी में मैंने हल्दी और मेहंदी पे सबको कपड़े एक जैसे बनाए थे, लोहड़ी पे भी सब एक जैसा पहनने वाले। खिचड़ी को के बोल रहा दीदी दे दे, दीदी बोल रहे थे बेटा दीदी नहीं मम्मा कोई बात नहीं यार सुके नीला बाबू है सुंदर बाबू गाना गाना पड़ता है। वेरी गुड। तो चीकू अभी करके आया है बहुत बड़ा काम जो इस उम्र में बच्चे नहीं करते हैं। मैं मम्मा देखा था एक बच्चे ने अच्छा। तो चीकू उस चूहे का अंतिम संस्कार करके आया, आप उसके ब्लॉग में देखिए। तो गाइस हम रेस जीत गए, इसके पास थोड़ी सी पार्टी आई है, डिस्टर्बिंग पार्टी, डिस्टर्ब कर रही है मुझे खिलाने से डिस्टर्ब कर रही है। एक बात बोलूं, मेरे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं। कंपोनेंट्स कॉम्पोनेंट्स सही कह रही है, वो खाना खिलाने के लिए वॉइस निकल रही है ना, कॉन्सेंट्रेटर नहीं हो रहा। कॉन्सेंट्रेट तू गलत कर रही है काम। क्या तू बच्चे को इस साइड रख ताकि वो पीछे ऑडियंस को देख के खुश हो सके। ऑडियंस ऑडियंस ये तो नहीं, मेरा हाथ उल्टा पड़ेगा फिर। ये तू इधर आजा, फिर मेरा हो गया, ले तू उसको ले ले फिर। एक काम कर, क्या इसको ले, इसको डका दे अभी। अब ये दे दे, ये टीम दे दे, इस टीम को पकड़ दे वो ध्यान से। चलो अब तुम डांस करना। जिंदगी एक सफर है सुहाना। ओरे ओरे बिना डांस के। तो यहाँ पे चीकू लगा पड़ा है अपनी बहन को खाना खिलाने के लिए, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। करो 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 करो। एक ना एक ही जंग होती है बच्चों को खाना खिलाना, मेरी तो तीन तीन जंग होती है। तुम्हारा आ के चक्कर में अगर वो लड़का उठ गया ना तो तुम्हारा आ वापस घुसा दूंगी मुंह में। नहीं हो पा रहा, तो गाइस यहाँ अरमान जी ने हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया है। पहले इन्होंने फोन करके बोला था कि शादी में जाना है, तो हम कल्स वल्स करा के आए, और अब ये बोल रहे हैं कि शादी में जाना कैंसिल। तो अब जो है मेकअप तो हो ही चुका है, कपड़े भी पहन ही चुके हैं, और इतना हैवी आउटफिट पहना था कि ये रिसेप्शन के लिए था, पर ये कह रहे डिनर पे ले जा रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, डिनर हो या रिसेप्शन हो जाना तो खाना खाना ही है। तो मैं सोच रही हूँ कहीं पर भी जाना हो माल मेकअप तो चाहिए, मेकअप कर ही लेती हूँ कोई बात नहीं, पर ये आउटफिट पहन के नहीं जाऊंगी मैं डिनर करने, वहां पे क्या सोचेंगे सब यार, ये चमचम कपड़े क्यों पहन के जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे कपड़े देखो हर लड़कों का सही है, लड़कों का कुछ नहीं होता, वही जो कपड़े अपनी शादी में पहन लिए वही कपड़े अपने डिनर में पहन लिए, पर लड़कियों को बहुत सोचना पड़ता है अब कपड़े चेंज। अब बता क्या पहने? ओहो तेरे पास तो बहुत प्यारी ड्रेस है। पर मैं वो ड्रेस नहीं पहनूंगी। क्यों? मैं तेरे साथ पहनूंगी। मेरे को थोड़ी वो ड्रेस आएगी। नहीं जब तेरे पास ऐसी ड्रेस होगी तो गाइस वो ड्रेस मैंने आज आपको दिखाई है, वही पहन ले, बोलूं नीचे साथ में बूट्स पहन ले। मेरे पास एक ज्यादा अच्छा आइडिया है। क्या? हमारे पास एक ना बहुत सुंदर ब्लेजर पड़ा है ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का, रॉयल ब्लू और ग्रीन, वो दोनों कलर इतने इन है ना, दोनों ब्लेजर पहनते बूट्स पहनते, बहुत सुंदर। मैं लेके आती हूं फिर। तो ये सारा मैं कर दूंगी।
क्या हुआ? इनसे ना ब्लशर ब्लेंड करवा रही थी, ये ब्लेंड करना ब्लशर। बोलो और कहीं मुंह लाल, मैं भी नहीं सोचा तू खुद कर ले। आज मेकअप नहीं कर रहा आज मैं। आपने उस दिन इतना अच्छा मेकअप किया था ना, मैंने सोचा अच्छा ये कलर है मेरे पास। हाँ मुझे लगा ब्लू ग्रीन है, ग्रीन अच्छा लगा तो ग्रीन को लो, तू पहन ले मैं ही पहन लूंगी। अब इनको ग्रीन अच्छा लग रहा है तो क्या हुआ, एक बार तू पहन लेगी एक बार मैं पहन लूंगी। मैंने चॉइस पूछी थी इनकी कौन सी अच्छी है, ऐसे दोनों ही अच्छे है ना, मैं ही पहन लेती। तो गाइज मेरी ड्रेस को लग गई है नजर, मेरा बटन जो है टूट गया अभी अभी, अब मुझे इसे चेंज ही करना पड़ेगा। और तो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, अरमान जी की चॉइस हमेशा से आपको पता है बहुत अच्छी है, लाइक मी लाइक गोलू। तो मैं जा रही हूँ इसे चेंज कर देती हूँ, इसका बटन लगवा लूंगी फिर दोबारा पहनूंगी। तो गाइज जब घर से निकले थे ना तो इतने ठंड का एहसास नहीं था, पर यहाँ पे खाने खाने के बाद जैसे नीचे उतरे ना सच में ऐसे लग रहा है कि घर में क्यों नहीं है, क्यों ले क्या है ऐसा लग रहा है। इससे अच्छा घर में खा लेती मैं पालक पनीर बनी थी या चिल्ली पटेटो और चाउमीन के चक्कर में हमारी गिग्गी बन गई है। भैया क्या हो गया, भैया धुआं निकालो, धुआं धुआं निकालो, ये देखो गाइस। तो ये सोच कि कल हम वहाँ पानी के पास थे तो आग जल रही थी, मैं ठंड कम लग रही थी, पर यहाँ पे इस टाइम ना रोड के ऊपर है ये और यहाँ ठंड ज्यादा। चलो गाड़ी में बैठो, वो ठंड लग रही है। ओह माय गॉड, गाड़ी में बैठ कर ना हीटर चलाकर थोड़ी सी शांति मिली हमें, वरना वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पता नहीं कश्मीर पहुँच गए। इतनी ज्यादा ठंड तो मुझे कभी यहाँ पे भी नहीं लगी अपने यहाँ पे, पर वहाँ पे जब हम खाना खाने गए थे ना वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड थी। तो जस्ट अभी पहुँचे हम घर, पहुँचते हैं ऊपर और देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। वैसे हमने कैमरे में देखा था अभी जो है बच्चे सो ही नहीं है, जाग रहा था जैद को देखा था मैंने। भाई यहाँ पे आज गुलू इधर इतनी ठंडी है ना, हाँ ना गुलू वहाँ ज्यादा ठंड थी यार। हाईवे पे थे ना, हाँ ओपन था, हमारे यहाँ पे फ्लैट है ना तो ठंड थोड़ी कम है। यहाँ पे आते ही ना इन्होंने एक बीड़ा उठा लिया कि ये जो फोटो है ना ये कल के व्लॉग में आपने देखी होगी, ये फोटो लगेगी हमारी ये वाली दीवार पे जहाँ पे पहले हम चार लोगों की फैमिली फोटो थी, अब यहाँ पे होगी पूरे चार और तीन सात लोगों की फोटो। क्या हो गया, पहले वाली निकाली है? चलो धागा नाप के इस पे आप वो करोगे ना मेजरमेंट इसकी, तो यहाँ पे ये दो है ना उसके हिसाब से धागे के हिसाब से लगाएंगे। आ जाएगी गुड्डू? तो गाइस ये फोटो है देखो, अरमान जी के बर्थडे पे आई थी ये फोटो, ये हमारे मिनी व्लॉग ने दी है। ये देखो जी, अब हुई ना कोई बात, सफेद दीवार पे काली फोटो। कितना हसीन परिवार है ना, प्यारा सा सब देख कितने से पाई क्या करी थी। ये मेरा स्टाइल था गोलू, न्यू स्टाइल ये आजकल मैं नया, क्या होगा उठ गई क्या, अरबी में आ रही हूँ मैं, रखती हूँ तू सुला क्या इसको, एक यहाँ पे भी लगा दो ये वाली येलो, ये वाली ना हम इधर लगा देंगे ठीक है, पूरे हमारे फोटो ही फोटो होगी कमरे में। घर आ रहे थे इतनी मेहनत करी तू बाको सुलाने में, अभी ये उठ गया इसकी आंखों में नींद नहीं है बाबू। सुन आंख खोलते क्या बोल रहे हैं बंदर, कहाँ पैपे पैपे ऊपर पैपे ऊपर पैपे ऊपर तेरी फोटो लगा रहे पापा, पापा फोटो पहले देखो, हम पहले हम फोर थे, पहले हम फोर थे फिर उसके बाद सेवन। अंदाजा देख लो भाई इनका, धागे से नाप के इन्होंने बड़ा अच्छा अंदाजा, ये बाहर ये थी सीढ़ी ये निकाल के लाए और ये फोटो खुद लेके आए नीचे से है। हाँ। ये देखो जी गांठ लगाई यहाँ सुराख के बीच में, गांठ यहाँ लगाई धागे में, हाँ जी और एक धागा ये पूरा आपको तो कुछ और होना चाहिए था जो इतनी अच्छी एक्यूरेट ड्राइंग भी बना सकते हो, इनको आर्किटेक्ट होना चाहिए था। ये देख कान के पीछे देखिए स्टाइल भी वही है, कान के पीछे पेंसिल लगाने वाला, ये रही हथौड़ी, ये लो हथौड़ी, निंजा हथौड़ी हो वो तो दे, कील तो दे, कील भी दे रही हूँ, ये लो कील भी आ गई, ये लो फोटो लाओ धागा पकड़ ले लक्ष्य। हमारे घर में जितनी भी पेंटिंग है ये वाली जो हमारे रूम में लगी, बड़ी गाड़ी वाली कार बाइक वाली लगी, सारी चीकू के पापा ने लगाई, इनको ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कोई चीज हो खुद ही मतलब करना सेट करना, और पापा मम्मी की फोटो दादा दादी की फोटो सब इन्होंने लगाई है, गिर जाएगा पीछे पूरा मुड़ा हुआ ऐसे ये देख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है गुडू, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट। तो गाइज दीवार पे जो है तस्वीर हमारी टंग चुकी है देखो, थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी तो मुझे नहीं समझ आ, कोई बात नहीं टेढ़ी है तो हल्की सी जस्ट थोड़ी बहुत है, यहाँ से हल्की सी है पर कोई बात नहीं, वो ऐसे ऊपर कर दो, नहीं नहीं कहीं नहीं होगी सही है, फीता थोड़ी था मैंने तो अंदाज से टांग तो दी। हाँ और क्या, नहीं तो रखी रहती। You can look up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. आपका टास्क है, क्या टास्क है, इसको सुलाना, इसको अब सुला देता हूँ, अभी ठीक रहा। तो गाइस अभी तो देखो टाइम हो चुका है रात के 12:30 और अभी कोशिश चल रही है जैद को सुलाने की, मुझे ऐसा लगता है हम जैद को सुलाएंगे ना उसके एक घंटे बाद पाए तू भाई यान कोई ना कोई जाग जाएगा, तो जितनी देर मिलती है उतनी देर तो सो जाएंगे, बस उसको सुलाते हैं और इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी लेके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बाय बाय जैद की तरफ से, इनकी स्नैपचैट आईडी यहाँ पर है जितने लोग हैं जल्दी जाके फॉलो करो, बाय बाय गाइस मिलते हैं नेक्स्ट समय खबर, बहुत सारे अपडेट मिलेंगे स्नैपचैट पे, बाय बाय।